परीक्षा देकर लौट रहे छात्र को अज्ञात नकाबपोशों ने हमला कर किया घायल। हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र में पुराने बिजली घर के समीप चार नकाबपोशों ने चचेरे भाई व आंतरिक परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्रों पर धारदार हथियार व डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र की हालत गंभीर है जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। पीड़ित के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला राणा पट्टी के रहने वाले चचेरे भाई प्रिंस पुत्र पूरन व सोनू पुत्र भगत आरआर इंटर कॉलेज में कक्षा 12 के छात्र है। इस समय उनकी आंतरिक परीक्षाएं चल रही है। सोमवार को लगभग 3 बजे जब वह परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे तो पुराने बिजली घर के समीप पहुंचते ही चार नकाबपोशों ने धारदार हथियार व डंडों से उन पर हमला कर दिया। हमलावर ने धारदार हथियार के वार प्रिंस के सीने पर किए हैं, जबकि सोनू की डंडों से पिटाई कर दी। मौके पर लोगों को एकत्र होता देख चारों हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। मामला तोमर। कौन सी जगह है ये? जीएस हॉस्पिटल। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ यहाँ? मामला क्या, ये स्कूल से आ रहे थे बच्चे और एकदम अनचक में उन्होंने हमला बोल दिया। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? राजपूती कॉलेज में। अच्छा, कहाँ हुआ है मामला ये हुआ आपका क्या नाम है, जो बिजली के बिल जमा होते हैं कन्या पाठशाला से पहले ही, इस ऐसे जाते समय उसमें से गली में साथी एक सद्दीकपुरे में से उससे हुआ। अच्छा अच्छा, तो आप जानते हैं जिन्होंने हमला किया? हम नहीं जानते, डाटा मार रखा हमने। डाटा मार रखा